ये तालाब सराय का इलाका है, ये छोटा सा कस्बा है, यहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है। मैं जीटी रोड से नीचे उतरकर मांगा मंडी से होते हुए अभी मैं पहुंचा हूं। एक छोटा सा कस्बा है, बहुत खूबसूरत ये कस्बा है, जिसको कहते हैं तालाब सराय। ये कस्बे का नाम है तालाब सराय। ये रैमर से थोड़ा सा पीछे आता है और यहां पर मैं आपको बताता चलूं, मेरे मामू भी रहते हैं। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको उनकी हदूद उनके इलाके में आके अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और मेरे पास टाइम कम था, मैं सॉरी करता हूँ, मैं नहीं आ सकता। जितने भी मेरे कज़न हैं तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैं आपके यहाँ घर में नहीं आ सकता। ये तालाब सराय का इलाका है, ये छोटा सा कस्बा है, यहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है और ये बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर मेरे बहुत सारे कज़न रहते हैं, तो मैं उनके लिए दुआ गूँ। और ये इस इलाके के साथ मेरी बचपन की बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रेवेंड की तरफ। ये रेवेंड रोड है मांगा मंडी से, और ये मेन स्टॉप है तालाब सराय। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको लेकर जा रहा हूँ आज कसूर की तरफ। कसूर सारा दिखाऊंगा और रास्ते में जो भी कस्बे छोटे बड़े सिटी आते हैं वो दिखाता जाऊंगा, क्योंकि मैं आज निकला हूँ बाइक के ऊपर, मेरे पास बाइक है और सारा रास्ता मैं आपको दिखाता आया हूँ और सारा रास्ता मैं आपको ऐसे ही दिखाऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा, आए चलते हैं आगे और मैं आपको सारा
रास्ता दिखाता हूँ। लोकल ये जीटी रोड भी आता है, इसमें लोकल रोड भी आता है, और पीछे इतना रास्ता ख़राब था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आए चलते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। अभी हम तलाब सराय से मांगा मंडी से निकल कर पैन चक में आ गए हैं, और यहाँ पर ये मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं, जैसे फैसलाबाद में इंटर रूम मिल जाए, इस जगह पर भी इंटर रूम मिल है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पर सारी मिलें हैं, फैक्ट्री हैं, जितनी भी हैं ना, ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट्री नज़र आ रही हैं। बात मैंने और करनी थी, मेरे कज़न हैं तलाब सराय में रहते, सलीम भाई, अमीन भाई और अलीम भाई, और बाकी मेरे कज़न जो हैं, मैं उनसे माजरत करता हूँ, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि यार मैं आपके पास आता और बैठते हम बातें बूते करते, यार बहुत दिल कर रहा था, लेकिन टाइम की वजह से मुझे सॉरी मैं जाना पड़ा, क्योंकि मैंने आगे कसूर तक प्लान बनाया था आज सुबह से लेके, जाता हूँ। तो मेरे साथ देखते रहिए वीडियो। आबादी यहाँ के मैंने एक मकीन से पूछा है, तो ग्लैमर अड्डे पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ से कहते हैं कि 3 किलोमीटर रेवेंड है, तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको रेवेंड सारा दिखाऊंगा, और कोशिश करते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, कि मैं कसूर भी आपको सारा दिखाऊं। मेरे साथ रहिएगा, आए चलते हैं और चलते रहेंगे।